अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से हो, खुश हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को हर बीमारी, और माशाल्लाह से हमारी जो ये चैनल असल में मेरा है भी नहीं, जो मैं आप लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये असल में आप लोगों का चैनल है। तो हमारे चैनल में हमारी फैमिली माशाल्लाह से बहुत बढ़ रही है जल्दी जल्दी से, तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ देंगे, क्योंकि आप लोगों के बिना तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो जितना आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, तो हमारा इंशाल्लाह से ये फैमिली और बड़ी होती जाएंगी इंशाल्लाह से। और इसके साथ मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं, और आप लोग मेरे साथ इसी तरह रहिए, इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें, और हमारी इस फैमिली को, हमारे इस चैनल को और जो है बड़ा करने के लिए मेरा साथ दीजिए। और इंशाल्लाह ये जो वबा आई हुई है पूरी दुनिया में, ये भी इंशाल्लाह जल्द जो है जल्द अज जल्द इसका खात्मा होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगे किसी न किसी के, तो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेंगे। तो ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारी जो है पूरी दुनिया से ये इसका खात्मा हो जाएगा, और जो है फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है अभी तो थोड़े बहुत टेंशन है, हर घरों में है, परेशानी है, और इसके बाद तो इंशाल्लाह फिर वही मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगी पूरी दुनिया से, ये बीमारी, ये वायरस, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो इंशाल्लाह वीडियो और भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जहन में टेंशन नहीं होंगे, परेशानी नहीं होंगे, तो और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो जो भी नए यूट्यूबर हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करती हूँ कि उनके भी सबके चैनल्स अच्छे से ग्रो करें, और इसी तरह जो मेरे साथ जो नए नए सब्सक्राइबर आए हुए हैं, जुड़ गए हैं, उन सबको जो है उन सबका मैं थैंक्स करती हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू एंड वेलकम हमारे फैमिली में, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आप लोगों का वेलकम। तो बातों बातों में मेरी डिश भी रेडी हो गई है, मैं आज बना रही हूँ रेड बीन्स लोबिया। तो वो तो सभी बनाते हैं, मतलब मेरा भी कोई इतना वो नहीं है कि मैं कोई मेरे स्पेशल बनाती हूँ, आम सी जिस तरह से आप सब बनाते हैं उसी तरह से है, लेकिन ये है कि किस तरह से इसको मैं सर्व तो खैर नहीं, मैं अपने लिए जिस तरह से सर्व करती हूँ, अपने लिए जिस तरह से इसको मैं जिस तरह से खाती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ मेरा दिल था कि मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि इसको मैं डिफरेंट तरीके से मैं खाती हूँ बना के चाट की तरह, तो वो किस तरह से मैं बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो मैंने चटनी बनाई थी आप लोगों को याद होंगे, मैंने फ्रीज़ किया था, तो इसको आज मैं निकाल रही हूँ, ये मुझसे बिल्कुल, मैं इतने में मसरूफ़ थी इन दिनों, तो वो मैं निकालना ही भूल गई थी, तो वो उसी तरह थे फ्रीज़र में, तो अभी तो खैर उसमें तो हम जो है कोई वो यूज़ में नहीं थे, तो इस वजह से मैंने नहीं निकाले थे, तो आज मैं ये निकाल रही हूँ, और इसको ये मैं एक एयर टाइट बोतल में डाल रही हूँ, इसको मैं रखूँगी, और इस तरह इसके ना दो दो निकाल के तो आप इसकी चटनी बना सकते हैं, और ये बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे, महीनों तक चलेंगे। तो आज भी मैं बना रही हूँ इसके दो क्यूब्स लेके, तो इसमें सिंपली बस रेड चिली पाउडर और नमक डाल के और इसके दो क्यूब्स आप डाल देंगे, तो इतने मज़े की अच्छे से चटनी बन जाएंगी। तो आज जो मैं लोबिया बना रही हूँ, लोबिया तो आम सिंपल ही, बस मैंने सिर्फ इसमें ये तो आप लोगों को पता है कि मैं शिमला मिर्च में हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ, तो इसमें भी मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है। अच्छा, इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं प्याज नहीं ऐड करती, तो सिर्फ टमाटरों से मैं इसका सालन बनाती हूँ, इस तरह से बहुत मज़े का आता है। मैं इसमें सिर्फ ऑयल डाल के तो टमाटर को जो है छोटे छोटे काट के, तो इसको अगर जो है इसमें अगर रूप डाल देंगे जैसे टमाटो प्यूरी है, उससे भी ये बहुत लोबिया जो है मज़े का, और इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है।
तो प्यूरी तो मेरे पास नहीं है, बस सिर्फ मैंने टमाटर, लेकिन इसमें जितने ज़्यादा टमाटर आप डालेंगे ना तो उतना ही ये मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड किया है, और उसके बाद शिमला मिर्च और मसाले। और मसालों में भी मैं जो है सॉरी, मैं कह रही थी कि सारे मसाले नहीं डालती इसमें, सिर्फ मैं नमक और रेड चिली पाउडर मैं सिर्फ डालती हूँ बस। और अगर मैं डालूँ भी तो थोड़े थोड़े चुटकी चुटकी अगर मैं डाल दूँ, और मैं कुछ नहीं डालती। तो इसको एक ये है कि मैं इसको पानी वाला बनाती हूँ। पहले हम इसकी एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है कि मेरे कज़न आए थे चंद दिनों के लिए हमारे घर, तो उसने बनाया था लोबिया। उस दिन उसने कहा था मैं बनाती हूँ, तो उसने इस तरह अपने लिए पानी वाला बनाया था। तो मैंने कहा ये क्या किया है, हम खुश बनाते थे। तो उसने कहा नहीं मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। तो उसने इस तरह नान को तोड़, अब मैं वो फिर बाद में आपको ना अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने किए थे। तो वो फिर मैंने भी उसके साथ मैंने भी किया, मैंने कहा चलो मैं भी इस तरह से करती हूँ। तो या मैंने शायद उससे मैंने टेस्ट किया था, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। और हमने भी उस तरह किए, मैंने भी, बच्चों ने भी। तो उसके बाद वो ना हमें भी वो हम भी आदी हो गए हैं। अभी जब भी मैं बनाऊँ तो उसी तरह उस तरह के मुझे बहुत, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी तो ये मुझे अभी बहुत मज़ा आता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को भी इस तरह से अच्छा लगा या नहीं। तो इस तरह से हैं, तो इस वजह से इसमें ना ये एक तो ऑयल में ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि जब मैं इसमें पानी डालूँ तो ज़्यादा वो पानी पानी ना हो ना। एक तो मैं जो लोबिया का पानी होता है वो सारे मैं इसमें ऐड करती हूँ, और इसके अलावा अगर मुझे जितने और मतलब पानी चाहिए हो तो इसमें मैं फिर और भी पानी ऐड करती हूँ। और बाकी जो है इसमें मैं ऑयल ज़्यादा ऐड करती हूँ और टमाटर ज़्यादा ऐड करती हूँ, ताकि वो अच्छे से ना एक गाढ़ा सा सालन बन जाए, प्यारा सा मतलब मज़े का बन जाए। तो इस तरह से हैं, और इसके अलावा बस ये मेरे नान भी रेडी हो रहे हैं, रोटियां। और इसके बाद ये दस्तरखान बिछ गई है अभी, और हमारे नेबर ने ये मैक्रोनी भी भेजी है, मैक्रोनी बनाई थी उन लोगों ने। और उसके साथ जो है ये मैं अपनी रोटियों को दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक चंद हमारी सिस्टर है, उनको जो है मेरी रोटियां अच्छी लगी थी, कहते हैं आप बहुत परफेक्ट शेप में बनाती है और अच्छे से, तो इसलिए मैं दिखा रही थी। तो अभी जो है ये प्लेट लेके आप लोगों ने इस तरह से करना है, इसमें रोटियां तोड़नी है सर छोटे छोटे करके, जैसे एक है डिश सोहबत। मैं किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगर बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। उसका सोहबत कहते हैं उसको, पेंडा के नाम से भी मशहूर है। उसमें चिकन डलता है, चिकन का मतलब उससे बनाते हैं, लेकिन ये है लोबिया की सोहबत। ये जो है लोबिया को इस तरह से मैं करती हूँ, इसमें इसलिए मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ कि जिस तरह वो सोहबत भी बनता है ना चिकन का, तो उसमें भी पानी जो उसका शोरबा होता है तरकारी जो सालन जो होता है उसको थोड़ा पानी वाला बनाते हैं, ताकि उसमें नान अच्छे से ना उसमें मतलब क्या मतलब अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैं नान तोड़ के और इसके अंदर लोबिया भी डालती हूँ, उसका पानी भी, और उसके बाद ये चटनी ऊपर से और सैलेड। शायद अभी आप लोगों के, आई एम श्योर आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएंगे। तो इसमें के ऊपर चाट मसाला, और इसको फिर आप इंजॉय करिए कितना मज़े का लगता है ये। और अभी ये देख के ना वॉइस ओवर करके तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो ये आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो। और अगर अभी ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आप लोगों के साथ, तो फिर आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ और एक अच्छी वीडियो में, हल्ला हाफिज़।